So now we are going to start with another very important topic, that is preposition. Okay, preposition itself, when we break the word into two parts, it is preposition. Preposition, okay? हमें पता है pre मतलब पहले, position लेना. किसी ऐसा preposition एक ऐसा word होगा जिसको आप किसी चीज से पहले position दोगे. So now preposition shows the relation. We say that preposition shows the relation. Okay, preposition shows the relation of a noun or a pronoun with another word in a sentence. They are usually followed by a noun or a pronoun. Preposition जो है वो क्या करता है, एक noun या pronoun का relation show करता है with another noun or pronoun. Okay, with another noun or pronoun. They are usually followed by a noun or pronoun. Like for example, हम अगर बात करते हैं, if we say कि the cat is in the kitchen. तो यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन क्या है, कैट इज वन नाउन एंड किचन इज अनदर नाउन, बिकॉज कैट क्या है, नेम ऑफ अ एनिमल, एंड किचन क्या है, इट्स अ प्लेस, तो दोनों क्या है, नेम एंड प्लेस नाउन है. अगर इसमें इस सेंटेंस में कौन सा ऐसा वर्ड है जिससे आपको रिलेशन पता चल रहा है, कैट और किसका, किचन का, कैट इज इन द किचन, इन से पता चल रहा है. सो इन इज वॉट, इन इज प्रेपोजिशन, और इसे हमने पहले कहाँ पे पोजिशन दे दिया है, किचन से पहले, दैट इज जिसके हमने नाउन से पहले पोजिशन दिया. सो एनी वर्ड दैट इज गिवन अ पोजिशन बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज प्रेपोजिशन. ओके, सो प्रेपोजिशन रिलेशन शो करता है ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन विद अनदर वर्ड इन अ सेंटेंस, एंड दे आर यूजुअली फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन. कुछ कॉमनली यूज प्रेपोजिशन जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेपोजिशन थ्री टाइप्स के होते हैं. व्हेन वी टॉक ऑफ प्रेपोजिशन, दे आर प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, prepositions of time and date, and preposition of travel and movement. Okay, so हमें इस चीज को बहुत ध्यान से देखना है. When we talk, जब हम बात करते हैं preposition of place and direction, ठीक है, place और direction, you can see in the square box, place and direction. Place हमें पता है जगह, जैसे हमने अभी बोला था kitchen के लिए हमने in को use किया, तो in क्या हो गया, place का हो गया, ठीक है. डायरेक्शन आपको पता है, दिशाएं जो होती हैं, है ना, उसको हम बोलते हैं प्लेस एंड डायरेक्शन. तो उसके कौन कौन से प्रपोजिशन होते हैं, इन हो गया, इन टू, एट, ऑन, ऑन टू, टू, ओवर, अक्रॉस, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, टुवर्ड्स, अबव, बिलो, नियर, बिसाइड, बिसाइड, अलोंग, फॉर, बियॉन्ड, बिटवीन, among, all these are the prepositions of place and direction. अब जब हम इन्हें वन बाय वन करेंगे एंड विल टेक द एग्जाम्पल्स, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे. ओके, नाउ वी टॉक ऑफ द प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट. समय और जो तारीख होती है वो बताने वाले, वो कौन से होते हैं, एट, ऑन, इन, बाय, फ्रॉम, टू, टिल, अंटिल, ड्यूरिंग, फॉर, Till, in, within, before, after are the prepositions of time and date. Now comes the last, that is preposition of travel and movement. Travel and movement के जब हम prepositions की बात करते हैं तो हम बात करते हैं from, to, by, out of, are, as, into, onto, इन, ऑन, ये सारे जो है ये प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट होते हैं. ओके, सो वी हैव टॉक्ड ऑफ द प्रेपोजिशंस, एंड वो कौन से प्रेपोजिशंस है, प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम एंड डेट, एंड प्रेपोजिशन ऑफ ट्रैवल एंड मूवमेंट. ओके, सो आई थिंक ये आपको तीनों प्रेपोजिशन बहुत अच्छे से क्लियर हो गए, राइट. नाउ आई, सो नाउ वी विल मूव वन बाय वन, हम पूरे उसके साथ में मूव करेंगे, ठीक है, वन बाय वन हम एक एक करके प्रेपोजिशन लेंगे, बिकॉज टू अंडरस्टैंड द प्रेपोजिशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. आपको सारे प्रेपोजिशन जो है प्रॉपरली समझ में आने चाहिए, बिकॉज जब तक आप समझ नहीं पाओगे कि इट को कहाँ, ऑन को कहाँ यूज करना है, इसको कहाँ यूज करना है, तब तक कैसे मैनेज हो पाएगा. सो नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड डायरेक्शन. सबसे पहले आता है इन एंड इन टू. नाउ सी, हम अगर बोलते हैं बिल्ली किचन में है और बिल्ली किचन में जा रही है,
दोनों में हम जब हिंदी में बात करते हैं तो हमने दोनों में क्या यूज किया, मे को यूज किया, बिल्ली किचन में है, बिल्ली किचन में जा रही है, मे को हम यूजली इन यूज करते हैं। बट जब हम बोलते हैं द कैट इज इन द किचन और फिर हम बोलेंगे कैट इज गोइंग इन द किचन, हमने तो दोनों में इन यूज किया, बट कैट इज इन द किचन विल बी करेक्ट एंड कैट इज गोइंग इन द किचन विल बी वो गलत हो जाएगा। Why it will be wrong? वो wrong क्यों होगा? वो इसलिए wrong होगा because grammatically वो preposition नहीं है जो वहां पे होना चाहिए। एक बहुत स्लाइट सा छोटा सा एक डिफरेंस है उसके अंदर जो आपको इसको फॉलो करना होता है। क्या होता है ना, होता क्या है, इन लिख दिया फिर भी वो गलत हो गया। हम बोलते हैं इन्हीं तो होता है, मैं तो इन्हीं तो बोलते हैं मैम बीटा मेरे फालतू में मार्क्स काट लेती है, बट एक्चुअली वो ग्रामेटिकली रॉन्ग होता है। ठीक है, वेन द थिंग इज इन रेस्टिंग पोजिशन, जैसे हमने बोला कैट इज इन द किचन, वो रेस्टिंग पोजिशन पे है, ऑलरेडी अंदर है तो हमने इन बोला, बट कैट इज गोइंग इन टू द किचन, जब वो चीज मूवमेंट में होती है ना तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं, इन टू यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल है देखो, फर्स्टली इन, इन इज यूज फॉर समथिंग समबडी इन साइड लिमिटेड एरिया, ओके, एंड रेनु इज इन द किचन एंड इज प्रिपेयरिंग टी। रेनू जब इन यूज करते हैं व्हेन समथिंग इज इनसाइड अ लिमिटेड एरिया, नाउ रेनू इज इन द किचन एंड इज प्रिपेयरिंग टी, रेनू किचन में है और टी प्रिपेयर कर रही है, वेरी फाइन वो ऑलरेडी उसके अंदर है किचन में। सेकेंडली इनटू, इनटू इज यूज टू टेल द डायरेक्शन ऑफ समथिंग एंड ऑल्सो द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन और इनसाइड समथिंग। अब इनटू यूज होता है टू टेल द डायरेक्शन, आपको डायरेक्शन बताने के लिए यूज होता है, ये हम जो यूज कर रहे हैं प्लेस एंड डायरेक्शन के ही तो कर रहे हैं, तो इनटू डायरेक्शन बताता है, ऑल्सो पोजिशन बताता है ऑफ द ऑब्जेक्ट इन और इनसाइड समथिंग। तो बर्ड इज फ्लाइंग इन टू द केज, की बर्ड की डायरेक्शन क्या है, वो टूवर्ड्स द केज फ्लाई कर रही है। ठीक है, तो ये क्या हो गया पोजिशन वाला, तो यहाँ पे भी मूवमेंट में है बर्ड, बर्ड इज नॉट इन द केज, इज फ्लाइंग इन टू द केज, वो फ्लाई करके केज में जा रही है, तो यहाँ पे हमने यूज किया इन टू। नाउ कम्स एट, एट यूज होता है, एट इज यूज व्हेन वी रिलेट टू अ प्लेस इन टर्म्स ऑफ फंक्शन और पर्पज, जब हम कोई फंक्शन या पर्पज की टर्म्स में, जब हम किसी प्लेस से रिलेट करते हैं, लाइक द पैसेंजर्स आर वेटिंग एट द बस स्टॉप, पैसेंजर्स जो है वो बस स्टॉप पे वेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, इस प्लेस के लिए, बस स्टॉप इज अ प्लेस, ओके, बस स्टॉप क्या है, एक प्लेस है, एंड प्लेस के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट। नाउ कम्स ऑन, ऑन इज यूज फॉर अ फिक्स पॉइंट ऑन अ सरफेस एंड फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वेन एवर वी यूज अ नेम ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम ऑन यूज करते हैं, एंड वेन एवर वी टॉक अबाउट अ फिक्स पॉइंट ऑन अ सरफेस हम क्या यूज करते हैं, हम ऑन को यूज करते हैं। लाइक द बुक्स आर लाइंग नियरली ऑन द शेल्फ, नीटली ऑन द शेल्फ, बुक्स जो है बहुत ही नीटली शेल्फ पे हैं, ये बिल्कुल सेम इन वाली सिचुएशन है, जैसे आपने इन किया था ना, इन जब कोई चीज रेस्टिंग पोजिशन से होती है किसी के अंदर तो वो इन होती है, जब कोई चीज रेस्टिंग पोजिशन में किसी सरफेस के ऊपर होता है तो हम उसको ऑन लेते हैं, जैसे हम बोलते हैं बुक्स आर ऑन द टेबल, तो बुक्स कहाँ है, टेबल पे है, तो सेम वे द बुक्स आर लाइंग नीटली ऑन द शेल्फ। ओके, नाउ कम्स ओवर, ओवर इज यूज फॉर समथिंग समबडी ऑन द सरफेस कवरिंग इट कम्प्लीटली और पार्टली फ्रॉम वन साइड टू अनदर ऑन द फार और ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग क्रॉस समथिंग एंड गो टू द अदर साइड फॉलिंग फ्रॉम और डाउन फ्रॉम अ प्लेस। ओवर हम हमेशा यूज करते हैं समथिंग या समबडी ऑन द सरफेस, जब कोई चीज या कोई पर्सन सरफेस से होता है और कंप्लीटली या पार्टली उस सरफेस को कवर करता है फ्रॉम वन साइड टू अदर। जब आप इसका एग्जाम्पल देखोगे आप इसको बहुत अच्छे से समझोगे। ऑन द फार और ऑपोजिट साइड ऑफ समथिंग क्रॉस समथिंग एंड गो टू द अदर साइड फॉलिंग फ्रॉम ऑन डाउन फ्रॉम द प्लेस। लाइक फॉर एग्जाम्पल शेरू जंप ओवर द वॉल एंड रैन आफ्टर अ रैबिट। तो इसने क्या किया, एक सरफेस पे था मतलब वो वॉल की एक तरफ था, उसने वॉल के ऊपर से जंप किया और वो दूसरे सरफेस पे गया। फ्रॉम सरफेस ऑफ वन साइड टू द सरफेस ऑफ अदर साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ओवर, ओके, एंड अक्रॉस, अक्रॉस। अब आप बोलोगे ये तो मैम अक्रॉस भी हो जाएगा ना, अक्रॉस भी तो एक से दूसरी तरफ जाना होता है, बट अक्रॉस क्या होता है,
वन साइड टू अनदर जस्ट, इसमें सरफेस का कोई लेना देना नहीं होता. ओके, सो वुडन ब्रिज इज बिल्ट अक्रॉस द रिवर. अक्रॉस द रिवर एक बिल्ट, वो जो है ब्रिज जो है वो बनाया गया. इन फ्रंट ऑफ हमें पता है सामने. इट इज यूज टू टेल अ पोजिशन, ये पोजिशन बताने के काम आता है. दैट इज फर्दर फॉरवर्ड देन समथिंग, किसी चीज से आगे होना, किसी पर्सन के आगे होना, बट नॉट वेरी फार, ज्यादा नहीं. लाइक द क्राउड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस एंड शाउटिंग स्लोगन. जो क्राउड होता है, जो भीड़ है, वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस के आगे खड़ी है और स्लोगन के लिए शाउट कर रही है. बिहाइंड मी एट और टूवर्ड्स द बैक ऑफ समथिंग somebody by it or them. अब behind, जैसे in front of किसी के सामने होता है, behind किसी के पीछे होता है. और वो भी वही हुआ कि not at a great distance, ज्यादा distance में नहीं. The child slipped behind his mother when saw a stranger. Child जो है वो अपनी मम्मी के पीछे, बच्चा अपनी मम्मी के पीछे छुप गया, उसको हम behind बोलेंगे, जब उसने stranger को देखा. Okay, so this was behind. Now comes towards. Towards direction show करता है. Towards is used to show the direction of somebody. It means closer in a point in relation of somebody. Direction show करने का काम. ठीक है, the army marched towards the enemy's territory. Army जो है वो किस direction में जा रही है? Enemy की तरफ जा रही है. तो तरफ जाना is towards. अबव, आप ओवर और अबव में कंफ्यूज हो जाते हो, है ना. ओवर था सरफेस टू सरफेस, जब आप क्रॉस कर जाते हो एक चीज को, जो वॉल वाला एग्जांपल किया था. नाउ अबव में क्या होता है? अबव इज यूज्ड इन द सेंस ऑन एट या टू हायर प्लेस देन समबडी समथिंग. लाइक द प्लेन फ्लू अबव द क्लाउड्स, जब हायर सरफेस की बात होती है. वॉल से अक्रॉस जंप करना तो क्या हुआ? ओवर हो गया. ठीक है, लेकिन अबव मतलब बियॉन्ड द हाइट. जब कोई चीज होती है ना, वो अबव होता है. तो प्लेन जो होता है वो बियॉन्ड द क्लाउड्स फ्लाई करता है, तो हम बोलते हैं उसको अबव. उसको कभी भी ओवर नहीं बोलेंगे. ठीक है, बिलो मीन्स कोई लोअर लेवल और पोजिशन की चीज. जब कोई चीज या कोई पर्सन इज एट अ लोअर लेवल और पोजिशन देन समथिंग, जब एक चीज कोई दूसरी चीज से लोअर लेवल पे होती है, जैसे टेम्परेचर जो है एक हायर लेवल इज बिलो जीरो डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर होता है वो सबसे हायर लेवल पे होता है, बिलो 0 डिग्री सेल्सियस. देन कम्स नियर. नियर एक शॉर्टर डिस्टेंस देता है हमें, अवे फ्रॉम समथिंग समबडी एंड एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम समथिंग. ओके, अब ये क्या शो करने का काम करता है? ओके, तो नियर इंडिकेट करता है एक शॉर्टर डिस्टेंस अवे फ्रॉम समथिंग. जब कोई चीज आपसे थोड़ी सी दूरी पे होती है, समबडी एंड एट अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम फॉर समथिंग, और किसी चीज से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे, तो इसको हम नियर बोलते हैं. द विलेज चिल्ड्रेन आर प्लेइंग नियर द रिवर. विलेज चिल्ड्रेन जो होते हैं वो रिवर के बहुत पास में प्ले कर रहे हैं, नजदीक ही होते हैं वो नदी के, तो वहां पे क्या हो गया? नियर. Beside and beside, इसको देखो समझो, सिर्फ एक एस का फर्क है. ओनली अ लेटर एस इज डिफरेंट इन बिटवीन बोथ. Beside and beside, beside is used to mean the next to something or somebody. Okay, beside when something, somebody is sitting close to us, next to us, तो हम बोलते हैं beside. And besides is in addition to, besides this, इसके अलावा हम बोलते हैं ना, इसके अलावा आपके पास और क्या है. तो बिसाइड जिस अलावा वाला जो सीन होता है वो बिसाइड में होता है. ओके, एंड बिसाइड होता है पास में. तो व्हेन वी से दैट बिसाइड इज यूज्ड टू मीन नेक्स्ट टू समबडी और समथिंग, लाइक वी से अ फैट वुमन टुक सीट इन द बस बिसाइड अ वेरी थिन वुमन. एक मोटी सी लेडी एक पतली सी लेडी के पास में आके बैठ गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे? बिसाइड. एंड बिसाइड लर्निंग फ्रेंच, शी इज ऑल्सो लर्निंग डांस. डांस सीखने के अलावा वो फ्रेंच भी सीख रही है. तो बिसाइड मीन दैट इज इन एडिशन टू. सो डू यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ बिसाइड एंड बिसाइड? बिसाइड इज जस्ट मीन्स नेक्स्ट टू समथिंग और समबडी, एंड बिसाइड इज इन एडिशन टू समथिंग और समबडी. नाउ कम्स अलोंग. अलोंग इज यूज टू डिपिक्ट फ्रॉम एंड टू और टूवर्ड द अदर एंड ऑफ समथिंग. अलोंग को हम यूज करते हैं टू डिपिक्ट समथिंग, टू डिपिक्ट व्हाट. ये डिपिक्ट करना, दैट इज
टू डिपिक्ट फ्रॉम एंड टू और टूवर्ड्स द अदर एंड ऑफ समथिंग, एक चीज के एंड तक. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद एग्जाम्पल. एग्जाम्पल इज द ओल्ड कपल वर वेलिंग अलोंग द रिवर बैंक. रिवर बैंक के साथ 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 वो चल रहे थे फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड. वो कंटिन्यू वहां पे वो जो है मूव कर रहे हैं. For next is for. For is used to show somewhere. Somewhere को show करने का काम होता है for. She went for a long morning walk and returned very late. वो morning walk के लिए गई. वो कहाँ गई? She went where. Where मतलब where का जो answer होगा, somewhere का जो answer होगा, वो हमारा for use होता है. She went for a long morning walk and returned very late. ये हमने for को जो यहाँ पे use किया, that we have used to show somewhere. Okay. Now comes under. Under explained in two, two opposition that is below something, somebody, below the surface, less than, to express a particular process according to law, etc. A tired man is sitting under a tree. The experiment on stem treatment are under process. Tired man जो है वो बैठा है कहाँ? Under the tree. That is below something. Okay. And then next is the experiment on stem treatment are under process. Means like a particular कोई process में कोई चीज चल रही होती है. तो under को आप दो जगह पे use करोगे. When you are talking of a position that is below something or somebody. And secondly, when to express a particular process according to a law. इन दोनों चीजों के लिए आप अंडर को यूज करते हैं. एंड हियर व्हेन वी आर यूज टू शो द पोजीशन दैट इज बिलो समथिंग ऑफ समबडी, वी टेक द एग्जांपल, अ टायर्ड मैन इज सिटिंग अंडर अ ट्री. ओके. एंड व्हेन वी टॉक ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोसेस, टू एक्सप्रेस अ प्रोसेस दैट इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द लॉ, सो वी से द एक्सपेरिमेंट ऑन स्टेम ट्रीटमेंट आर अंडर प्रोसेस. So you understand कि कौन सी दो situations में आप अंडर को use करोगे. Now comes beyond. Beyond shows the further side of something, beyond the thing. जैसे हम बोलते हैं ना, हम अभी मैं यहाँ पे आपको एक चीजें जो है एक बहुत ज्यादा मैं आपको अगर अभी यहाँ पे 12th level की अगर मैं आपको prepositions explain करने लगूँ तो आप क्या बोलोगे? मैम ये beyond our level है. Ma'am, this is beyond our level and we are not able to understand. So beyond is that when something shows the further side of something. More than something to say that something is impossible or too far for something or somebody. जब चीज near to impossible हो जाती है हमारे लिए, when it is more than something तो उसको हम बोलते हैं beyond. Okay? तो यहाँ पे जब हम बियॉन्ड की बात करते हैं तो वी टेक एन एग्जांपल, हर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू हर ब्यूटी इज बियॉन्ड कम्पेयर. उसकी ब्यूटी और उसकी स्ट्रेंथ को जब हम कंपेयर करते हैं तो उसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना, जब उसकी ब्यूटी तो बियॉन्ड कंपैरिजन है, मतलब कंपैरिजन की उसकी ब्यूटी से कहीं परे है. शी इज सो फुल ऑफ स्ट्रेंथ ही कैन से. तो हर स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू हर ब्यूटी इज बियॉन्ड कम्पेयर. Okay, so now comes between and among. These are two very interesting prepositions जो हम usually use करते हैं. Between में तो हम कभी गलती नहीं करते हैं, but among को use करते हैं और अक्सर गलती करते हैं. So between and among. Listen, अब इसको हम book में से नहीं देखते, just listen to what I am explaining. The example, between is about when we talk of a space separating two objects. It is used in a sense of in ya into the space separating two objects, people, day, etc. And among is used in a place of between when more than two things or people are involved. जब दो या दो से ज्यादा people या things involved होते हैं. So when we talk of between, तो हम अगर बोले, suppose we say Tamanna and Harshita दो है and me I take myself Sheetal. Okay. So जब हम बोलते हैं Sheetal is sitting, Sheetal Tamanna और Harshita के बीच में बैठी है. Okay. शीतल तमन्ना और हर्षिता के बीच में है. तो यहाँ पे कितने लोगों के बीच की, कितने के बीच की स्पेस की बात हो रही है? दो की. तो व्हाट विल आई से? शीतल इज सिटिंग बिटवीन तमन्ना एंड हर्षिता. शीतल इज सिटिंग बिटवीन तमन्ना एंड हर्षिता, क्योंकि तमन्ना और हर्षिता ये दो के बीच की बात है. फाइन. नाउ नेक्स्ट इज, जब हम बात करते हैं अमंग की,
ओके तो जब हमने अमंग की बात की, तो अगर मैं बोल दूं हर्षिता इज सिटिंग, हर्षिता बच्चों के बीच में बैठी है, क्लास से क्लासमेट के बीच में बैठी है, मतलब मोर देन टू के बीच की बात हो रही है, तो वहां पर मैं बोलूंगी हर्षिता इज सिटिंग अमंग हर क्लासमेट, हर्षिता अपने क्लासमेट के बीच में बैठी है। सो व्हेन वी टॉक ऑफ मोर देन टू तो हम अमंग यूज करते हैं, बिटवीन टू यूज करते हैं, तो हम बिटवीन को यूज करते हैं। लाइक अब जो बुक एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं, जैकी चैन इज सिटिंग बिटवीन द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट राइटर एंड इज लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट। तो यहाँ पे देखो दो हैं, डायरेक्टर एंड स्क्रिप्ट राइटर, डायरेक्टर इज वन, स्क्रिप्ट राइटर इज वन, तो बोथ आर टू, और जैकी चैन जो है वो दोनों के बीच में है, तो बिटवीन द टू की बात हो रही है तो हमने क्या यूज किया, बिटवीन, दैट इज जैकी चैन इज सिटिंग बिटवीन द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट राइटर एंड इज लिसनिंग टू द स्क्रिप्ट, और वो स्क्रिप्ट को सुन रहा है, तो हियर वी यूज बिटवीन। Now when we use among, among is used in place of between when more than two things or people are involved. Okay? जब दो से ज्यादा people या things involved होते हैं, and example is there is a single mango tree among the oak tree. बहुत सारी oak trees हैं, मतलब more than two, उन सब के बीच में there is only one single mango tree, एक mango tree है, so here comes one single mango tree among the oak tree. तो यहाँ पे more than two के बीच की बात है, so we use what? Understood? अभी तक का यहाँ तक का समझ आया कि जिस रेज योर हैंड एवरी वन क्विकली, वेरी नाइस, यस ऑल ऑफ यू, ओके गुड, सो इट्स नाइस, है ना। तो कल हम थोड़ा सा इसका एक रिविजन बोर्ड पे भी लेंगे इन चीजों का, और देन वी विल टेक अप विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, वट एवर विल बी आवर नेक्स्ट टॉपिक, टुमारो वी विल टेक ऑन द बोर्ड। So now the last part is, अभी हमारे पास टाइम है, we can finish it up with this because ये बहुत ही सिंपल है। When we talk of preposition of date and time, कुछ कॉमन प्रेपोजिशन होते हैं which are known as the preposition of date and time, they are at, in, since, till, until, during, before, after, for, from, by, on, to and within. Firstly we'll take at. At shows, अब date and time है, at shows the time of a day like 4 o'clock, midnight, night, day का time show करने के लिए, at is used for a point of time like at the beginning of the function, at the end of the function, ठीक है, तो ये सब चीजें point of time, at is used to show the festivals and holidays like at Holi, at Christmas and so, festivals or holidays हो गए, at school, at home, it is showing स्पेसिफिक प्लेस बता रहा है, एट फर्स्ट एट लास्ट ये एक तरह से समवेयर टाइम शो कर रहा है, एट वंस इट्स ऑल्सो सेइंग टाइम, एट बिगनिंग एट एंड इट इज ऑल्सो सेइंग टाइम, एट एन एज एट 60, ये सारे कहीं ना कहीं डेट एंड टाइम शो कर रहे हैं। ऑन, नाउ नेक्स्ट कम्स ऑन, जब हम ऑन की बात करते हैं तो ऑन क्या होता है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर स्पेशल डे और डेट बताता है ऑन, लाइक ऑन मंडे इज अ स्पेशल डे, स्पेशल डे बता दिया, ऑन 28th जनवरी पर्टिकुलर एक डेट बता दी स्पेसिफिक, ऑन द इवनिंग एक पर्टिकुलर टाइम बता दिया, एंड ऑन टाइम पर्टिकुलर जो टाइम है उसको, जब हम बोलते हैं ना कम ऑन टाइम, ओके ही केम ऑन टाइम, शी केम ऑन टाइम, तो वहां पे टाइम के लिए। देन कम इन, इन इज यूज इन द नेम ऑफ मंथ लाइक इन जनवरी एंड फेब्रुवरी, in shows the hours of the day, in morning, in night, in evening, in shows the seasons, in winter, in summer, and in is also used with time, come in time, do the work in time, so वहाँ पे हम in use करेंगे। Now comes since, since always shows a point of time and it shows the definite time when the action begins, since हमेशा आपको एक point of time show करता है, like अगर मैं बोल दूँ कि मैं सुबह से काम कर रही हूँ, so I'll write मेरे पास 6 hours नहीं है, I'll say कि मैं सुबह से, आई एम वर्किंग सिंस मॉर्निंग, तो मेरे पास जब एक पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो आई विल यूज सिंस, सो शी हैज बीन ड्राइविंग सिंस 6 AM। ओके, नाउ कम्स टिल एंड अंटिल, टिल मींस अप टू एंड अंटिल मींस अप टू द पॉइंट इन द टाइम, टिल का मतलब अप टू एंड अंटिल हम यूज करते हैं अप टू द पॉइंट इन द टाइम, लाइक फॉर एग्जाम्पल ही वर्क्स इन हिज ऑफिस फ्रॉम 10 AM टिल 5 PM, तो ये क्या है अप टू 5 PM वो काम करता है स्टार्टिंग फ्रॉम 10 AM। नाउ अंटिल को जब हम यूज करते हैं, अंटिल नाउ वी हैव ऑलवेज स्टडीड एंड लिव्ड इन दैट स्कूल हॉस्टल टुगेदर, अब तक अप टू दिस पॉइंट इन टाइम जब हम बात करते हैं, अप टू दिस टाइम अभी तक
के समय तक हम क्या किया करते थे, अब तक वी ऑलवेज स्टडी एंड लिव इन दैट ओके टुगेदर। ड्यूरिंग इज जो हम बात करते हैं फॉर नॉन द पीरियड ऑफ टाइम, ओके जो टाइम पीरियड की बात होता है, जनरली ये फॉलो होता है बाय द नेम ऑफ अ पीरियड, द दिस दैट प्लस नाउन एक्सेट्रा, लाइक चिराग जनरली फॉल्स इन ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। इसको किसने फॉलो किया, देखो द ने, द आ सकता है, दिस आता है, दैट आता है, प्लस नाउन, ये इसका स्ट्रक्चर रहता है, वहां पे हम ड्यूरिंग को यूज करते हैं। सो हियर कम ड्यूरिंग प्लस द प्लस ये आ गया हमारा नाउन ड्यूरिंग द एग्जाम। फॉर एक्सप्लेन द एक्शन कंटिन्यू फॉर अ होल पीरियड, होल पीरियड मतलब एक पीरियड, जैसे सिंस आपको पॉइंट ऑफ टाइम बता रहा था ना, फॉर आपको पीरियड ऑफ टाइम बता था, मैंने बोला कि आई नो शीतल सिंस चाइल्डहुड, मैं शीतल को बचपन से जानती हूँ, तो बचपन क्या एक पॉइंट ऑफ टाइम, आई यूज सिंस चाइल्डहुड। अगर मैं बोल दू की शीतल और तमन्ना जो है 2 घंटे के लिए बाहर जा रहे हैं, सो वी विल से दैट शीतल एंड तमन्ना आर गोइंग आउट फॉर 2 आवर्स। तो फॉर हमारे लिए क्या है, होल पीरियड ऑफ टाइम है, दैट इज हमें पीरियड ऑफ टाइम पता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा फॉर शेड्यूल। तो फॉर इज यूज व्हेन वी टॉक ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ होल पीरियड। जॉय इज एन एक्टर एंड ही वर्क फॉर सेवरल आवर्स, जॉय एक एक्टर है एंड वो कुछ घंटे के लिए काम करता है, सो वी आर टॉकिंग अबाउट होल पीरियड ऑफ टाइम, तो पूरा कंटिन्यूस फॉर द होल पीरियड, तो हमने फॉर को यूज किया। From is generally used with to or till or until. From को हम usually use करते हैं to के साथ में, till के साथ में और until के साथ में। Now the last is by. By को हम use करेंगे sometimes. She reached her school by. By किसी time से related, जब हम time, जैसे 9 AM we are showing the time. She reached her school by 9 AM as she had a meeting with her doctor. वो स्कूल 9 AM तक पहुंच गई बिकॉज शी हैड अ मीटिंग विद हर डॉक्टर, उसकी डॉक्टर के साथ एक मीटिंग, सो व्हेन वी यूज बाय 9 AM, सो बाय इज यूज व्हेन वी टॉक ऑफ सम टाइम, ओके। सो विद दिस ये हमारे सारे प्रपोजिशन ओवर है, दिस PDF आई सेंड इट टू यू, आपकी बुक में है, ठीक है, ऑल ऑफ यू हैव इज दिस इन योर बुक, तो आप इसको अच्छे से एक बार फॉलो करेंगे, जो भी आपके पास बुक्स है ना, यू विल सी इट एंड उसमें आप अच्छे से देखेंगे, टुमारो विल डू द एक्सरसाइज एंड विल टेक अप सम पार्ट ऑन द दैट इज हम बोर्ड पे ले लेंगे, ओके फाइन। एंड आई होप इफ यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड दीज प्रपोजिशन, एंड लास्टली रेज योर हैंड बिकॉज लेस देन 1 मिनट इज लेफ्ट फॉर आवर क्लास टू गेट ओवर, रेज योर हैंड एवरीवन अगर आपको प्रपोजिशन क्लियरली सबको समझ में आए हैं तो, गुड। सो नाउ वॉट यू हैव टू डू, you have to revise this properly, and if there are any queries you are going to ask it to me tomorrow, okay, queries hum aapki kal solve karenge, you just we can say aap apni queries ko ikattha karke rakhiye, okay, till then you just